कल मैं एक ज्वेलरी शॉप पे गई हुई थी, तो फिर मेरा मन कर गया ये पियर्सिंग कराने का। ये जो दिख रही होगी दूसरी वाली, ये पियर्सिंग मैंने करा ली है। और फिर मैं वहीं बैठी हुई थी, फिर मुझे याद आया कि मृदुल का कल जन्मदिन है, तो इसके लिए कुछ गिफ्ट ले लेते हैं, ऐसे सरप्राइज गिफ्ट। फिर मैंने सोचा कि वो सरप्राइज गिफ्ट मैं उसको पसंद नहीं आते, मतलब सरप्राइज गिफ्ट। फिर वो कहता ये क्या लिया, ये तो मुझे चाहिए ही नहीं था, ये तो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा, वापस करके आ। तो फिर मैंने सोचा कि भाई उसके लिए कुछ ऐसा सा ले लेते जो उसको पसंद हो। तो मैंने कॉल करी, भाई तेरे लिए क्या ले लूँ। मैं ब्रेसलेट देख रही थी उसके लिए, तो भाई साहब कहते नहीं मैं अभी ब्रेसलेट नहीं पहनता, आजकल मैं कड़ा पहन रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर कहने लगा अगर तेरा इतना ही मन है लेने का तो एक काम कर, तू ना मेरे लिए एक डायमंड सॉलिटर ले ले। मैंने कहा हैं? फिर मैंने पूछा भाई उस दुकान से, मैंने कहा ये सॉलिटर जो है ये कितने रुपए की आएगी ऐसी रिंग? तो वो बोलता 8-10 लाख रुपए की आएगी। मैंने मदल को बोला हाँ भाई, मैंने कहा अपना गिफ्ट खुद आके लेके जाइए, इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं रखते कि किसी के उपहार से। तो फिर अभी मैं जा रही हूँ उसका जन्मदिन मनाने बिना गिफ्ट के। यार गिफ्ट भी ऐसा मांगो ना जो सामने वाला अफोर्ड कर सके, दे सके। सामने वाले को देख के गिफ्ट मांगो, ऐसे मतलब कुछ भी मुंह उठा के सॉलिटेयर दिला दे मुझे। बहुत ही ज्यादा सालों बाद मैं इतनी सुबह नहाई हूँ। और गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? खुश रहे भाई। अरे कितने तमीज वाले मेरे भाई, देख रहे ऐसे पैर छू गए ना। बाकी कुछ भी अभी चाहिए हो तो बता देना। तो आज महारुद्राभिषेक है हमारे ऑफिस पे, मेरे भाई के जन्मदिन पे। कुछ मोटा आसन हो बस, थोड़ा सा बैठने में दिक्कत हो रही है गार्डन में। मंगा लूं? ऐसे आई आने वाले हैं बस। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्तिः। पूजा के बाद दे दीजिएगा। त्रिपुंड में ऐसे क्या है? वो तो चंदन ही तो है जैसे सबके लिए। अष्टगंध है, ये 8 प्रकार के चंदन है इसमें। अच्छा, ये भस्म है व्हाइट, बेटा हो तो ज्यादा अच्छा है। इसी चक्कर हम नहीं जा पाए होते, गैदरिंग बहुत है जी वहाँ पे, पर दर्शन अच्छे से हो रहे हैं। आपके पिताजी आज फंसे हैं ना वहाँ, ऐसे इससे बुरा हाल है। और नहीं हमारा एक पता क्या वेट क्या हो गया, हमारी दीदी है वो बाहर रहती है, वो आने वाली है अप्रैल में, तो फिर साथ में ट्राई कर रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि जब भी चलना साथ में चलना, बहुत इस वजह से फिर हम भी रुके हुए कि सब सारे सारे नहीं सही जाएंगे, साथ में जाएंगे बढ़िया रहेगा। और दिव्य अलौकिक दर्शन होंगे वहाँ पे। और हनुमान अयोध्या तो कभी गए नहीं आप, और हनुमानगढ़ के पास में दर्शन जरूर कीजिएगा। अभी हमारी क्या नाम है, अभी वही हो गया है। अच्छा अच्छा, काशी विश्वनाथ भी गए। अच्छा अच्छा, अयोध्या भी? हाँ, कैसा था भाई? नजर नहीं हटती रहा। अभी हम 10 दिन काशी में थे। आपके माता पिताजी तो पूरा लीन रहते हैं इसमें, आपके माता जी तो पूछिए मत। 1.25 लाख हम लोगों बनाया था जो है कि 1.25 लाख, 1 लाख जी। मैं तो कह रहा हूँ आपकी क्रिएटिविटी के पापा मम्मी तो फैन है, आज हम भी हो गए। कितना सुंदर बनाया हुआ है। और दूसरा सबसे अच्छी चीज कि गणेश जी के जो दांत बनाए हैं ना, वो चावल ये बनाया, मैं आपको दिखाऊंगा। आप ही घर का चावल है, आप ही के भवन का है। अच्छा, गाड़ी में लेके आया। मैं तब से सोच रहा था कि मतलब ये गणेश जी के जो दांत है ये बने किससे हैं, चावल से। मेरे पास से दिखाने का, ये तो चावल लगा और लोग बिल्कुल भाव में आया। ये मिट्टी अभी गीली है, जैसे पकड़ेंगे तुरंत ऐसे गोल बन जाएगा। अभी महाशिवरात्रि है कल, और आज प्रदोष है। तो प्रदोष क्या होता है? प्रदोष मतलब आज एक कल एकादशी था, द्वादशी है। हाँ। भगवान का वास पृथ्वी पे आज है जो है, कल भी रहेगा। क्या तो विवाह आई है उनका जो है। तो यहाँ पे इस पूजा का बहुत महत्व है। जैसे रामेश्वरम अगर आप गए हों तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पे भगवान राम ने जो है ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन किया है। वो शिवलिंग आज भी वहाँ पे मौजूद है। तो इसीलिए उस जगह का नाम है रामेश्वरम, यानी राम के जो ईश्वर हैं, ईश्वर के जो राम है वही धाम रामेश्वरम है।
यानी भगवान शिव के इष्ट राम हैं और राम के इष्ट भगवान शिव हैं। अच्छा, और ये सब कह रहे थे कि 8 तारीख को मतलब महाशिवरात्रि वाले दिन हम ये पूजन करवा लेते तो और ज्यादा बेहतर रहता, आज भी ओके ही है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए, आज भी शिववास है। आदमी के लाइफ में 3 न्यू ईयर आते हैं, कितने आते हैं? 3 आते हैं। आप कितना जानते थे? 2 2 हम आपको बता रहे हैं 3 होते हैं। एक 1 जनवरी अंग्रेजी के हिसाब से, एक चैत्र नवरात्रि के हिसाब से। आज जो न्यू ईयर है आपका पर्सनली न्यू ईयर है। क्या है? जीवन का न्यू ईयर। हाँ, पर्सनली न्यू ईयर है। जैसे लेकिन शास्त्र में जो सनातन धर्म में लिखा गया है, जन्मदिन की पूजा में अगर कोई आप भगवान की पूजा करते हैं, कुछ आपके पास नहीं है, आप मंदिर जाओ, माथा टेको, और अगर बहुत कुछ है तो कुछ ना कुछ जरूर करें। जैसे आज ये बहुत दिव्य अलौकिक एक दिव्य रुद्राभिषेक आपके यहाँ हो रहा है। अच्छा, एक चीज तो मंडल जी, मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़े भक्त हैं हम सारे, हम सब चीजें करते हैं, पार्टी भी करते हैं, ठीक है, जरूरी है, पर बात यह है कि अंदर से ही मुझे खुद ऐसा लगता है कि जिस दिन मेरा जन्मदिन हो उस दिन मैं कुछ ऐसा ही कर रहा हूँ, उस दिन वो मेरा खराब सा ना हो कि मैं कहीं घूमने में लगा हुआ हूँ या शाम को कीजिए। जैसे दिन में हम लोग मॉर्निंग में कार्य कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और इसका वेदों में पुराणों में बड़ा महत्व है। इसीलिए तुलसीदास जी जो लेटेस्ट कवि हुए हैं अपने कलयुग में, उन्होंने रामचरितमानस में लिख दिया है कि लिंग थाप विधवत करी पूजा शिव समान प्रिय और न दूजा। पांचों चीजों को मिला दिया जाएगा तो पंचामृत हो जाएगा, उससे स्नान कराने के बाद भांग से भगवान को स्नान कराया जाएगा। ये भांग है? ये भांग है। अच्छा, ये भांग का रस इसको चाहे तो आप पी सकते हैं थोड़ा सा पूजा के बाद। पीते हैं लोग पूजा बनारस में जाएंगे ना? हाँ, मैंने देखा तो ठंडा ही बनाते हैं। हाँ, और ये देखिए, मैंने देखी थी, ये बाबा का भोग जो है 10-15 मिनट बाद शुरू, ये भांग का लड्डू है, ये भोले बाबा को अत्याधिक प्रिय है, मतवाले रहते हैं जो है, इसीलिए चल बाबा की पार्टी तो मेरी। तो पंच मिट्टी है, आप सोचिए कि कई तीर्थों की मिट्टियां हैं इसमें, कई तीर्थों की मिट्टी है। हमारा लड़का है आपका बहुत बड़ा फैन है, 5.5 साल का, वो भी शिवलिंग बनाता है। अरे, वो भी 5.5 साल का बच्चा? हाँ, वो शिवलिंग बना लेता है, नंदी स्नेह को घर बना लेता है। जिस उस माहौल में आप रहते हो वही तो सीखते हो। वो पंडित जी जैसे उच्च विचारे वाले व्यक्ति के साथ रहेगा, उसके पिताजी से 5.5 साल में क्या सीखेगा? रील बनानी सीखेगा। ये भी जरूरी है, ये हमें इस बात की खुशी है कि आप जैसे यजमान हमें प्राप्त हुए हैं। धन्यवाद। आचमन कीजिए, ओम केशवाय नमः, पिजये ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, हस्तो प्रक्षाल्यः गोविंदाय नमो नमः, हाथ धो लीजिए। येनवद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला तेरे बदनामि रक्षे मा चल मा चल। बोली ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोहनि द्वितीय प्राह रार्धे श्रीश्वे वाराकल्पे भूर्लोके भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे आर्या वर्तैक देशांतर गते पुण्य पवित्र क्षेत्रे धर्म क्षेत्रे उत्तर प्रदेश राज्ये गौतम बुद्ध नगर मंडलांतर्गते ग्रेटर नोएडा अंतर बोल दीजिए सर्वविध कल्याण कामना सिद्धरथम स्वकीय भवने स्वकीय जन्मदिवस उपलक्ष्य में द्वारा पार्थिवेश्वर लिंगोपरि दिव्य रुद्राभिषेक षडंग रुद्राभिषेक महाभिषेक तृतीय ब्राह्मण में द्वारा पंचाक्षर मंत्र जप अहम करिष्ये कार्यसेव। ओम जजाग्रतो नोरमुदैत दैवं दादु सुप्त सतथैवेति दूरंगमं ज्योतिगां ज्योतिरेकं तन्मे महाशिव संकल्पमस्तु। बोधो शंभो भवानी के नंदन आनंद कंदन कंद पति जे दीननदाय दिव सिद्धि के गण नायक मोपे पसी जे। स्मरणे नमः।
ओम आं ग्रीं क्रों यंग वंग शंखं 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 शुभं शिवस्य सर्वेन्द्रियाणि वाक्मनस्य त्वक्चक्षुः श्रोत्र घ्राण जीव पाणिपायुपस्थ अस्थाने इहागत शिखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। अपने माथे पर लगाइए। बम्बम हर हर बम्बम हर हर काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर नम पार्वती पदय हर हर महादेव। कृतस्नानं समर्पयामि लिप्ता रौद्रान् भो रूपाः पार्जन्याः मधुमानोपनिषदेरमधुमास्तसूर्याद्राय त्वा जुष्टतमं सर्गरोदकेन स्नानम् नः पार्वती पदये हर हर पञ्चाकृतस्नानं समर्पयामि। ओम भर्गुवास्वाश्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः पार्थिवेश्वर महादेवाय नमः खाणा सर्वलोकमयि खाणा श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः सुगंधिद्योतानि समर्पयामि श्री भगवते सांब सदा शंभकं त्यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमयो वंदनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् महादेवाय नमः राजाधिराजाय महाराजाय नमः नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय हरे ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। बहुत बढ़िया आरव चौधरी श्री भवानी शंकर महारुद्र महारुद्रियतां गिरीशम् करालं महाकाल कालं कृपालं दुरागार संसार पारं नतोऽहं प्रभो पाह्यापं नमामि शंभो। आयु समग्रं प्रथमं च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः सदा शिवाय नमः श्री भगवते पार्थिवेश्वर महादेवाय नमः। ताही सहारा भोले तेरा ही सहारा है तेरा ही सहारा भोले तेरा ही सहारा है। अग्रानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां वा ओम भर्गुवास्व श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। अजायत श्रोत्रद्वायुष प्राणश मुखाग्निरजायते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते संचार हृदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो दर्शन दो मुझे अंतर्यामी व्याकुल जीवन मेरा है दर्शन दो मुझे अंतर्यामी व्याकुल जीवन मेरा है। शिव शंकर देखो आकर मन मेरा मंदिर तेरा है शिव शंकर देखो आकर मन मेरा मंदिर तेरा है। आज मेरा मन कह रहा है पढ़ रही हूँ।
ओम भद्रं करणेभिः सृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षरैरङ्गैश्चक्रवाकुंसस्तनोभिर्वसेमहिदेवैतन्तदायोश्रीवृषस्वमायुषमारोग्यमभिधाक्षममानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतशं वत्सरं दीर्घमायुः चिन्तित मनोरथ सिद्धिरस्तु मंगल्यमस्तु कल्याणम् अस्तु कल्याणम् अस्तु। अनंत मंगल शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और अपने देश का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का, अपने गुरु खानदान का और अपने सनातन धर्म का जो है धर्म ध्वज जो है फहराते रहें। ऐसे ही धार्मिक कार्यों में समयानुसार भाग लें, यही ईश्वर से कामना है। उत्तर उत्तर आप वृद्धि करें, संसारिक सुखों का भोग करें और दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें, यही भगवान से कामना है। बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत बड़ी पदवी मिलेगी बेटे, ये आशीर्वाद है भोलेनाथ की। आशीर्वाद आपको बना रहे ऐसे ही। चार बेटे अशोक और शांति रहेगी। धन्यवाद बाबा। आज जन्मदिन भी है मेरा। अच्छा बेटे, आतरे जन्मदिन में तो बाबा की आज आवाज आई है। गोरखनाथ बाबा की कृपा। हम लोग यहाँ पूजा कर रहे थे, आप अचानक दिखे ना नीचे, मन के शिव जी आ गए। भोलेनाथ बाबा प्रणाम। जन्मदिन आज मेरा, आशीर्वाद बनाए रखना, ठीक है? जरूर जरूर, ठीक है। नमस्कार नितिन भाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत शानदार, बहुत अच्छा। मतलब मैं इसी बता सकता हूँ कि कम से कम 10 बार जब हमारा ये चल रहा था, ये रुद्राभिषेक यार चेन फंस गई। हाँ, जब हमारा रुद्राभिषेक चल रहा था तो कम से कम 10 बार गूज़बम्प्स ऐसे रोंगटे खड़े हो गए सुनते ही, सारी सारी चीजें देखते ही, एक एक। और जब पंडित जी ने उनके ऊपर वो क्या कहते हैं, भस्म और क्या गुलाल जब आपने वो छिड़का, तो मैं सच बता रहा हूँ, मुझे एकदम ऐसा लगा उनकी काम बैठे तो बहुत अच्छा था। भोले बाबा का अद्भुत रूप हो गया एकदम। हाँ, आप भी तो भोले बाबा हो रहे हो। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे जन्मदिन पे आके इतने अच्छे काम करवाए। उससे ऐसी आरती ना मैंने अभी तक वो ओमकारेश्वर जो मंदिर है ना उसकी देखती रहती थी, बस मारती होती थी। आज वो हमने सामने देखी, मिनी वो बन गया हमारा घर उज्जैन। कहाँ चल रहा? चल रहे सीधा VW क्लब। क्लब क्लब जाओगे? दोस्तों भेज दिया गुजर, एकम गुजर, गुजर धोनी दो गुजर, गुजर दिया तीन गुजर और एकला गुजर का भी है और वह नंदु गुजर शेरी कह दे सभी। यू क्या भैया शो ऑफ करेंगे है हम पे दिखाने को? भाई शो ऑफ थोड़ा करते हैं, नंदु भाई तो पहनते हैं, बचपन से पहनते हैं शो ऑफ, क्या बात है। नंदु भाई बताइयो, ये हाथी के दौत है? हाथी ने पहनना क्या दिखाना? इंस्टाग्राम पर रीच आने वाली तुम्हारे, पता यार सारे सारे तैयार, सारे तैयार हो ना। अगर अगर एक्सेप्ट ना करी ना तो बंद भी हो सके तेरा अकाउंट। आज मेरा जन्मदिन है दोस्तों और मैं बेहद खुश हूँ क्योंकि मजा आई है, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ, सॉरी लौटा हूँ। क्या है भाई? बढ़िया है, बढ़िया। मलूक आ रहे हैं वैसे? ये कह रही क्या नाम आपका, जब सुबह भी आई ज्यादा मलूक हो गए तुम। देख तो सही रंग हो, रंग चढ़ेगा इसकी तो अभी तक क्रीम लगाई होगी। ए मेरी लगा, भाभी ने कराई ना, भैया को क्रेडिट देना पड़ेगा। क्रीम लगाओ, मेरी तीन क्रीमें लगा रहे भाई आजकल देखिए सब। लेकिन आप हमारा भी गाने देने सुना लग भाई। भाई तो मैं खुद ने लगा रहा ना, मैं टाइम से आई ना रहा हूं। एलोवेरा किसी वो लगा लूं सावन बस। पहले मैं पॉच भाई सावन लगा कर ज्यादा मलूक। अरे कहोगे मेरे बालक को, अरे ले 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 कहोगे। अरे भाई ज्यादा खा लिया ने इतना आईने यार। पंडित जी से पहले खा लिया। नंद भाई जब रुक रुक के खा रहे हैं अटक जाओ। और ये खाना बढ़िया, अब ले लो किसी के लिए लेना है ले लो। चलो जी बहुत ही बढ़िया। एक बार हैप्पी बर्थडे बोल दो दीदी। हैप्पी बर्थडे टू यू ना, एक और है मुझे बहुत जोर का। ले 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 हैप्पी बर्थडे तेरी जान का बर्थडे। अरे हैप्पी बर्थडे बोल, हैप्पी बर्थडे तेरी। ले 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 हैप्पी बर्थडे बोल, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। और तू हैप्पी बर्थडे भी जबरदस्ती बुलवा रहा है। किसी ने बोला नहीं है ना, इसलिए सुबह आते ही बोला था। इतना ही दोबारा बोलेगा। ला 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 का भजन डालूंगी जारी बोलिए कान चने छोड़िए। यस माफी, बाय 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 मेरे भाई।
ठीक है ओके। Happy birthday, boy!